everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. I am Chhavi Tripathi और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो ड्रेसेस का रिव्यू. सो आई हैव बॉट टू ड्रेसेस और मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था बट आई थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए. सो हियर आई एम. मैंने अर्बैनिक से दो ड्रेसेस ऑर्डर करी थी तो आज उसी का वीडियो आपके साथ शेयर होने वाला है. विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो. सबको पता ही है कि शीन के जाने के बाद अर्बैनिक बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में आ गया था. तो मैंने इससे भी पहले शॉपिंग करी है, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, बट रिसेंटली मैंने दो ड्रेसेस ऑर्डर करी थी. मैं जयपुर गई थी और उससे पहले रिसीव होने वाली थी 5th को, बट वो मुझे रिसीव हुई आफ्टर 11. तो पैकेजिंग आप सबको पता ही है कि पैकेजिंग जो होती है वो ऑरेंज कलर के पॉली बैग में आपको रिसीव होती है, ठीक है. तो ये आउटर पैकेजिंग थी एंड देन इसके अंदर कुछ ऐसे बैग्स थे जो कि जिपर के साथ आते हैं, उसमें रिसीव होते. तो फर्स्ट वन इज दिस ड्रेस, मैं आपको दिखा देती हूँ. ये एक बेबी पिंक कलर की ड्रेस है जो कि मैंने ऑर्डर किसी और कलर में करी थी बट ये रिसीव मुझे किसी और कलर में हुई है. तो ये इट्स अ टू पीस ड्रेस जिसका एक पोर्शन ये है और सेकेंड पोर्शन जो है वो ये है. तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि ये कैसी ड्रेस है, ठीक है. तो सेकेंड पीस जो है वो आता है वन शोल्डर में और इसकी फुल स्लीव्स हैं, ठीक है, पिंक कलर की है. और फ्रंट में यहाँ पर स्लिट भी मिल जाती है आपको, फ्रंट में यहाँ पर स्लिट है और ये काफ लेंथ तक आती है. सिंथेटिक वाला मटेरियल है, आपको देख के पता लग रहा होगा, स्ट्रेचेबल है तो ये आपकी बॉडी में अच्छे से फिट होके आती है. एंड जो इसका ऊपर का पोर्शन है वो है इस, एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो ये ऐसे आता है. और यहाँ पर आपको दो ऐसी नॉट, वेस्ट पे नॉट बांधने के लिए यहाँ पर दे रखा हुआ है ऐसे रिबन्स जिसको आप वेस्ट पर ऐसे करके और आगे टाई कर सकते हो. तो ये क्रॉस में आती है और इसको मैंने ऑर्डर किया था वाइन कलर में बट ये मुझे पिंक कलर की रिसीव हुई जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. एंड इसमें जो कलर अवेलेबिलिटी है वो मैं आपको बता देती हूँ. सो 1272 की ड्रेस है जिसमें आपको ब्लैक, येलो, लाइट पिंक और एक वाइन कलर था जो कि आउट ऑफ स्टॉक है. स्प्लिट स्कर्ट टू पीस आउटफिट है ये, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज मिल जाते हैं. कैश ऑन डिलीवरी है, 10 डेज रिटर्न है. तो ये मैंने ऑर्डर करी थी और मैं आपको दिखा दे रही हूँ ये है, ठीक है. मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी तो आप देख लीजिएगा. तो वीडियो आपको बगल में दिख रहा होगा, मैंने इसको ट्राई किया तो वो मेरे ऊपर पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगी एंड मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा. मुझे कपड़ा अच्छा नहीं लगा, बहुत ही पतला कपड़ा था, सी थ्रू भी था और बहुत ही आगे से बहुत ज़्यादा क्लीवेज दिख रही थी. तो कंफर्टेबल नहीं थी मैं इस ड्रेस को पहनने के लिए, तो मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ. एंड जो सेकेंड ड्रेस है वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ. नीचे से जो आपको स्क्रीनशॉट में फ्लेयर दिखेगा वो फ्लेयर भी नहीं था. मे बी शी इज़ वेरी थिन तो उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर दिख रहा होगा और मैं थोड़ी सी उससे मोटी हूँ तो नहीं. बट रिसने के बाद मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ. मे बी आप लोग को अच्छी लगी हो. गाइज यस, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो यहाँ पर स्टेन भी है जो कि जब मुझे रिसीव हुई थी तो मैंने देखा था उसमें ऑलरेडी काफ़ी बड़ा सा स्टेन था जो कि अनदर रीज़न है मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ डेफिनेटली. तो अब सेकेंड ड्रेस मैं आपको दिखा दे रही हूँ. सो गाइज सेकेंड ड्रेस जो है वो है कटआउट पेंसिल ड्रेस, 1032 रुपीज़ की है और ब्लैक, वाइट, रेड, कॉफ़ी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे तो मैंने कॉफ़ी इसमें ऑर्डर किया था और ये मुझे कॉफ़ी कलर ही रिसीव हुआ है. मैं आपको दिखा दे रही हूँ. फ्रंट में कट है, स्टमक में जो नेवल होती है ना वहाँ पर थोड़ा सा कट है. तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कैसी है ये. इट्स अ बॉडीकॉन ड्रेस और ये रिबनेट मटेरियल में है, आपको दिख रही होगी. बहुत ही प्यारा सा कलर है, फुल स्लीव्स है और नेक जो है वो राउंड है बट थोड़ा सा ऊपर तक आता है और फ्रंट में यहाँ पर आपको कटआउट मिल जाता है. तो ये स्टमक थोड़ा रिवीलिंग है अगर आप लोग नहीं कंफर्टेबल हो, कुछ लोग नहीं कंफर्टेबल होते हैं पहनने में, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि कितना ये ओपन है. वीडियो में आपको दिख रही होगी और ये लॉन्ग ड्रेस है, नीचे तक आती है पूरी और इसमें स्लिट नहीं है, नीचे कोई पॉकेट्स वगैरह नहीं है, स्ट्रेचेबल मटेरियल है. सो इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है बट थोड़ा सा थिक और बेटर क्वालिटी हो सकती थी एज़ पर माई एक्सपीरियंस. ये थोड़ा सा अगर मोटा होना तो बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग आती बॉडी में. एंड इसके साथ मैंने जो है बूट्स पहने थे और इसमें तो कोई इशू नहीं है तो मैं इसको सोच रही हूँ कि इसको रिटर्न ना करूँ, उसको रिटर्न मैं कर दूँगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोग को पता लग जाएगा कैसा है. सो ऑल ओवर सब कुछ ठीक था,
तो इस ब्राउन वाली ड्रेस को मैं देना चाहूंगी 8 out of 10 एंड उस वाली को 4 out of 10 बिकॉज जो मैंने ऑर्डर किया था वो कलर नहीं रिसीव हुआ एंड सेकेंड उसकी फिटिंग बहुत खराब है और थर्ड उसका जो मटेरियल है वो बहुत ही ज्यादा चीप लग रहा है और बहुत ज्यादा रिवीलिंग भी है. तो या इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि व्हाट आई ऑर्डर्ड वर्सेस व्हाट आई गॉट. तो आई होप ये छोटा सा वीडियो रिव्यू वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा क्योंकि मैं भी खुद भी सर्च करती हूँ कि मुझे भी रिव्यू वीडियो मिल जाएँ जो भी चीज़ें मैं ले रही हूँ. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवेंट. ऑल्सो डू कॉमेंट अगर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा एंड ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियोज आपके साथ हमेशा शेयर करती रहूँगी. सो टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी लव यू ऑल बाय बाय एवरीवन.